वेस्ट इंडीज में रोहित द्रविड़ की जोड़ी के एक्सपेरिमेंट से भारत में बवाल हो रखा है। क्रिकेट फैंस दो फाड़ में बट गए हैं। कुछ फैंस का मानना है कि वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, तो वहीं कुछ एक्सपर्ट्स और फैंस के लिए ये एक्सपेरिमेंट्स समझ से परे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से भारतीय टीम को कैरेबियाई टीम से दूसरे वनडे में हार भी मिली। टीम इंडिया को 6 विकेट से शिकस्त मिलने के बाद टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने रोहित ब्रिगेड की जमकर आलोचना की है। प्रसाद का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने ये तक कह दिया कि भारतीय टीम को छोटी मोटी कामयाबी का जश्न मनाने की आदत हो चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दें तो पिछले कुछ समय से बाकी के दोनों फॉर्मेट में भारत का प्रदर्शन बहुत सामान्य रहा है। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हारे। पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन किया। ना तो हम इंग्लैंड की तरह एक रोमांचक टीम है और ना ही ऑस्ट्रेलिया टीम की तरह आक्रामक। वेंकटेश प्रसाद समय समय पर टीम इंडिया की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय टीम को कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुना दी। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा, पैसा और पावर के बावजूद हम छोटी मोटी कामयाबी का जश्न मनाने के आदि हो गए हैं। हम चैंपियन टीम बनने से कोसों दूर हैं। हर टीम जीतने के लिए खेलती है और भारत भी ऐसा ही करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा है। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम वेस्ट इंडीज में एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। पहले वनडे मुकाबले में बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से बदल दी गई। कप्तान रोहित शर्मा नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने उतरे, तो वहीं विराट को बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। दूसरे वनडे में तो भारतीय टीम बिना रोहित और विराट के मैदान पर उतरी और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। महाकुंभ की तैयारी में जुटी भारतीय टीम को इन एक्सपेरिमेंट से फायदा होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।